और किस चीज से मरा है। अगर शराब पिया और गंदा शराब पिया मर गया, उसको हम लोग मदद करेंगे, तब तो इसका मतलब शराबबंदी खत्म कर दीजिए। शराब पीने वाले को मदद किया जाता है। अगर कोई गलत शराब कर गंदा शराब पी करके मर जाए तो उसके प्रति कोई सिंपैथी नहीं होना चाहिए। जहरीली शराब पीने से 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में कह रहे हैं अगर आप लोग कहिएगा तो शराब चालू कर दिया जाएगा। दरअसल विपक्ष के सवाल और हंगामे से नाराज हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में उस वक्त काफी नाराज दिखे जब महागठबंधन के सहयोगी एक विधायक ने सदन में सरकार से यह पूछ लिया कि मरने वाले लोगों को मुआवजा सरकार देगी या नहीं। फिर क्या था, नीतीश कुमार अपने सीट से उठे और सीधे तौर पर सीपीएम के विधायक के ऊपर हमला कर दिया। सीपीएम के विधायक को चेतावनी दे डाली, कही कि सामने में जो लोग बैठे हुए थे वो तो हंगामा कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे तो समझ में आ रहा था, लेकिन मेरे सहयोगी अगर इस तरीके से बात करते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। क्या जो लोग शराबबंदी के पक्ष में उस वक्त खड़े थे वो आज चाहते हैं कि हम शराब चालू कर दें? कान खोलकर सुन लीजिए, शराब पर जो पाबंदी है वो जारी रहेगी और शराब यानी गंदी चीज पीने से अगर किसी की मौत हुई है तो क्या हम सहायता राशि देंगे? बिल्कुल नहीं, किसी को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। बल्कि नीतीश कुमार का यह कहना है कि वो तो अब इस बात का प्रचार करेंगे घूम घूम कर कि जो पिएगा वो मरेगा, और जो लोग ऐसे लोगों से सहानुभूति रखते हैं वो जरा संभल जाए। नीतीश कुमार ने सीपीएम के विधायक को चेतावनी दे डाली, कहा कि आपके बड़े बड़े नेताओं से हमारे पुराने संबंध हैं, होश में रहिए। जिस कृष्ण के वंशज की बात लोग करते हैं उस भगवान कृष्ण की दुहाई भी नीतीश दे डाली। नीतीश कुमार के सामने केवल सीपीएम ही नहीं बल्कि आरजेडी के उन विधायकों का सवाल के जवाब भी था जो सदन के बाहर वो लोग उठा रहे थे। सदन के बाहर शराबबंदी पर संशोधन की जो लोग बात कर रहे थे उनको भी नीतीश ने चेतावनी दे दी। नीतीश की चेतावनी भरे लहजे से सदन के अंदर तो खामोशी छा गई, लेकिन नीतीश अपनी बातें कहते नहीं रुके। नीतीश बार बार चेतावनी दे रहे थे, कह रहे थे कि बीजेपी वाले लोग तो कह ही रहे थे जरा वो भी सुन ले, और जो लोग हमारे साथ बैठे हैं उनके मन में भी अगर कोई शंका है कोई दुविधा है तो वो भी सुन ले और साफ कर ले। किसी भी कंडीशन में शराब के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा और ना ही नीतीश कुमार अपने फैसले से पीछे हटेंगे और ना ही मरने वाले लोगों के प्रति कोई सहानुभूति ही दिखाएंगे। देखिए नीतीश कुमार का तेवर जब सदन में दिखा तो कैसे विपक्ष तो वॉकआउट कर गई और सत्ताधारी खामोश हो गए। मोदी जी ने अपना का सवाल पर जो जवाब दिया, जो मृतक लोग हैं उनको मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है कि शराबबंदी को पूरी तरह लागू नहीं करता। एक बात हम कहना, माननीय मुख्यमंत्री तो आश्चर्य हुआ है, उधर बोल रहे हैं और इधर से कुछ बोले हैं। आप जरा सुन लीजिए कि हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा अगर शराब पीने से, और किस चीज से मरा है। अगर शराब पिया और गंदा शराब पिया मर गया, उसको हम लोग मदद करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो इतनी गंदी बात है, और अगर आप लोगों में से कोई इस बात को सोचता है तो आप कहिए कि शराबबंदी को बंद कर दीजिए। ये कोई तरीका है ऐसा? मुझको तो आश्चर्य होता है।
उसको तो आश्चर्य होता है कि अगर इसमें कहे कि अगर कोई शराब पी गंदा शराब पीने से जहरीली शराब पीने से मर गया तो उसको हम लोग मदद करेंगे, तब तो इसका मतलब शराबबंदी खत्म कर दीजिए, शराब पीने वाले को मदद किया जाता है। अरे शराब गंदा पिया पता चल गया ना कि तुम पीते हो और कभी तुमको जहरीली मिल जाएगा तो मर ही जाओगे, यही तो बात है। ये मेरा कहा हुआ है? कृष्ण भगवान का भी आप लोगों को पता है, जरा पता कर लीजिएगा जो अपने को समझते हैं। मुस्लिम समुदाय का भी देख लीजिए, धर्म का एक एक चीज आप अगर देखिएगा तो पता चलेगा दारू पीने से न मरा जी, दारू पीने से न मरा, जहरीली शराब है ना, तो उसके बारे में हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, कभी नहीं करना चाहिए। ये लोग कैसे बोल रहा है, काहे सपोर्ट किया था शराबबंदी का? ये तो साबित हो रहा है कि शराब पीना कितना बुरा चीज है, इसको तो और हम लोग खूब प्रचारित करते हैं। देखो मर रहा है, पियोगे मरोगे, तभी तो हम ये कह रहे हैं, इसलिए ये सब बात ठीक नहीं है। पिएगा गड़बड़ पिएगा मरेगा, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, हम इसके आग्रह करेंगे। आई आई कैसे होगा, कम्युनिस्ट पार्टी भी आखिर इसके पक्ष में है, शराब के सख्त खिलाफ है, इसलिए सब चीज का ध्यान रखिए। और आप लोग तो मान लीजिए कि नए हैं, हम लोगों का रिश्ता आज का नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता है। हम लोग सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, सबका रिश्ता कितना है। हम आपको ऐसे ही बता दें, जब हम पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते थे और पार्टियां साथ नहीं थी, फिर भी सारे सीपीआई सीपीएम के लोग हमको मदद करते थे, इतना ज्यादा हमारा संबंध है आज का ही। तो इसलिए कृपा करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, कभी गलत चीज पर मत सोचिएगा। आई जो इनका है सीपीआई एमएल, तो हम लोग के नेता है जो साहब, इतना पुराना रिश्ता, तो कभी जो पुराना संबंध है, इसलिए इस बात का ख्याल रखिए जो हम लोग कह रहे हैं, मतलब शराब के खिलाफ है। और कोई गलत शराब गंदा शराब पी करके मर जाए तो उसके प्रति कोई सिंपैथी नहीं होना चाहिए। हम तो इन लोगों को भी कह रहे हैं, लेकिन माननीय एक सदस्य ने भी कहा, इसलिए हम खड़ा होकर बोले, नहीं तो बाकी तो समूचा इसलिए हम इतना बात कर दिए। इसलिए मेरी बात को मानिए, यही हम आग्रह करेंगे। माननीय सदस्यगण,